हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबीजी टेक में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जो मैं अभी 5 मिनट में यूज़ कर रहा हूँ और उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी को शेयर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे investing.com हो गया या फिर tradingview.com का चार्ट जो है वो ओपन कर सकते हो और उसके साथ साथ आप अपने जो लोकल चार्ट जो आप अपने ब्रोकर का यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ करके इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ट्रेडिंग व्यू या फिर investing.com का जो चार्ट है वो सजेस्ट करूंगा। तो मैं यहां पर इन्वेस्टिंग का चार्ट जो है वो ओपन करके रखा है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो चार्ट है ये ओपन हुआ है और यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 5 मिनट का जो कैंडल है वो लिया है। तो यह जो स्ट्रेटेजी है ये 3 इंडिकेटर्स पे काम करने वाली है, तो इसके बारे में मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और एक एक चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ वो रूल, जो थंब रूल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो आपको फॉलो करना है। अगर आप ये रूल प्रॉपरली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी जो है ये आपके बहुत काम की है। 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है और इसमें आप 1:2 का टारगेट भी रख सकते हो और SL जो है वो काफ़ी छोटा होने वाला है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है चलिए इसको विस्तार से जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्वेस्टिंग में अपना ये जो चार्ट है ये ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर हमें कुछ इंडिकेटर्स लगेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बता दूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले लगेगा RSI मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद RSI की जो रेंज है हमें लगने वाली है वो रेंज है 60-40 की रेंज हमें लगने वाली है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग बता देता हूँ, ये देखिए 60-40 की जो रेंज है वो मैंने यहाँ पर सेट कर ली है और यहाँ पर आपको प्रॉपर दिखाई दे इसलिए मैं इसको थोड़ा कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ इसका। तो ये देखिए हमने थिकनेस बढ़ा दी है थोड़ी सी और यहाँ पर ओके कर दिया। तो ये 60-40 की रेंज जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। उसी तरह से हमें लगने वाला है और एक इंडिकेटर, वो है स्टोकेस्टिक। ये सिंपल स्टोकेस्टिक लगने वाला है, इसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। ये स्टोकेस्टिक जो है इसकी जो रेंज है वो भी यहाँ पर 60-40 की ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 60-40 की स्टोकेस्टिक की जो रेंज है वो डिफ़ॉल्ट में जैसी की वैसी है। तो ये भी एक हो गया और उसी तरह से हमें लग रहा है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज हमें यहाँ पर टाइप करना है MOVING मूविंग एवरेज और हमें मूविंग एवरेज जो लगने वाला है वो है 200 का सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर इनपुट में आना है आपको और यहाँ पर लेंथ में 200 डालना है। तो इस तरह से 200 का मूविंग एवरेज जो है हमने यहाँ पर ले लिया है। तो इस तरह से ये हमारा सेटअप जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर ये जो 5 मिनट का चार्ट है इसमें आने के बाद आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो आप ये 5 मिनट का चार्ट है और जब भी मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस करेगा तो हमें जो है सिग्नल और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो किस तरह से मिल सकती है इसके बारे में अभी यहाँ पर हम विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डे की कैंडल है 200 डे मूविंग एवरेज की, तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ 5 मिनट पे। तो 5 मिनट पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 200 डे मूविंग एवरेज जो है ये यहाँ पर जब भी ये 200 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पर क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर ये अबव साइड में हमको मार्केट दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं आपको अपॉर्चुनिटी किस तरह से ढूंढना है इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मार्केट में देखना है कि जब भी मार्केट जो है 200 डे मूविंग एवरेज को टच करने वाला है तो यहाँ पर हम बैक साइड में आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पीछे से एनालिसिस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम काफ़ी पीछे आ चुके हैं। तो जब भी मैं चार्ट जो है
आप देख सकते हो लेफ़्ट से राइट मूव करने वाला हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि हमारा 200 डे मूविंग एवरेज जो है इसके अबव जो है वो अभी कैंडल जो है वो मूव कर रही है। तो हमको क्या कंडीशन देखनी है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो RSI है वो अबव 60 होना चाहिए, RSI अबव 60 होना चाहिए ये कंडीशन है, या बिलो 30 होना चाहिए ये डाउन साइड के लिए कंडीशन है, और RSI अबव 60 ये अप साइड के लिए कंडीशन है। तो एंट्री नहीं लेना है, पहले तो हमें चेक करना है कि क्या RSI अबव 60 है और स्टोकेस्टिक जो है वो भी अबव 60 है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर कंडीशन अभी भी नहीं मिली है, तो यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं और डीप में जाकर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भी हमारा जो RSI है वो अबव 60 टच कर रहा है और स्टोकेस्टिक भी अबव 60 टच कर रहा है, फर्स्ट टाइम में जब ये अबव 60 टच कर रहा है और स्टोकेस्टिक जो है वो अबव 60 टच कर रहा है, और ऐसे ही सेम समय में जब भी हमारी कैंडल जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टच करती है, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो बनता है, और हमारा जो SL है जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है इसके ऊपर, इस 200 मूविंग एवरेज को बिना छुए जो ग्रीन कैंडल जो ओपन हो रही है वहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, और हमारा जो SL है वहाँ से दो कैंडल डाउन साइड में बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये छोटा सा जो ट्रेड मिला है हमें, ये कमाल का ट्रेड मिला है, और यहाँ से जो मार्केट है वो अप साइड में जाना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही हमें स्टोकेस्टिक अबव 60, RSI अबव 60 और हमारा जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पर हमें एंट्री लेना है बाय की, और SL जो है हमें छोटा रखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हो ये जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर हमें जो एंट्री पॉइंट मिला है पूरी तरह से जब ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 159 पे एंट्री मिली है, और यहाँ पर 159.06 का हमारा SL है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको आना है, ये जो XABCD पैटर्न है यहाँ पर हमें क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिससे हम हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ पर हमारी एंट्री जो है यहीं पे, यहाँ पर देख सकते हो हमारी एंट्री और एग्जिट का जो सिनेरियो है वो किस तरह से है। तो यहाँ पर हमने एंट्री ली है, और हमारा जो SL है वो ये रहेगा, और हमारा जो टारगेट है यहाँ पर इस तरह से बना है। तो आप देख सकते हो हमारा जो SL और एंट्री जो है वो मिनिमम 1:2 का जो रेशियो है वो बन चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है 0.46% है, और हमारा जो लॉस है वो 0.15% का बन चुका है। तो इस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पर हम और भी एंट्री आपको ढूंढ के बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अभी भी RSI जो है वो अबव 60 नहीं है, और स्टोकेस्टिक भी अबव 60 नहीं है। तो सबसे पहले हमें वो कंडीशन ढूंढनी है जब RSI अबव 60 है और स्टोकेस्टिक भी अबव 60 है, और 200 डे मूविंग एवरेज के अबव जो है वो कैंडल जो है वो मूव हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो प्रॉफिट बनाया है वो बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो आपको 1:2 का एवरेज बता रहा था, लेकिन आप देख सकते हो हमें एग्जिट SL हिट नहीं हुआ, मतलब और भी हम वेट कर सकते हैं ब्रेक इवन पर डालकर भी। तो इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ते ही जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से हमें ये प्रॉफिट जो है मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उसी तरह से चलिए मैं आपको और भी एंट्री जो है वो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जब ये 200 डे मूविंग एवरेज जो है ये अपनी दिशा बदलता है तो हमें सेल का ऑर्डर मिलता है क्या। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जब भी 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस हो रहा है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस हो रहा है, और स्टोकेस्टिक RSI जो है वो बिलो 40 है और स्टोकेस्टिक जो है वो बिलो 40 है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है इस कैंडल पे आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है ये पूरी तरह से नीचे साइड में क्लोज हो चुकी है और यहाँ पर हमें SL मिल रहा है ऊपर साइड में। तो मैंने अभी तक ये जो पोर्शन है आगे का देखा नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि शॉर्ट पोजीशन जो है वो क्रिएट हो रही है। तो हमारा जो SL और टारगेट है वो हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें इस तरह से एंट्री जो है यहाँ पर मिली है। ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम में हमारा लॉस नहीं होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें यहाँ पर एंट्री मिली थी और यहाँ से जो मार्केट है हमारा जो SL है उसको हिट करता है क्या, हम देखेंगे। यहाँ पर हमारा SL रहेगा कम से कम दो कैंडल के ऊपर और अभी हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो SL है वो हिट हो चुका है। तो उसी तरह से हमें फिर से चेक करना है कि क्या वो क्रॉस कर रहा है। तो जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर एंट्री नहीं मिली है, और भी हमें देखना है कि 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस हुआ है क्या। तो यहाँ पे देख सकते हो 200 डे मूविंग एवरेज जो है हमारा क्रॉस हुआ है। यहाँ पर हमारा जो RSI जो है वो भी अबव है और स्टोकेस्टिक जो है वो भी अबव 60 चल रहा है। तो यहाँ से हमें बाय की एंट्री बन सकती है। तो यहाँ पर फिर से हम देखते हैं ट्राई करके कि क्या हमारी जो एंट्री है वो लॉन्ग पोजीशन के लिए बन रही है। तो यहाँ पर मैं अभी SL के लिए कर देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से हमें इस कैंडल पे कहीं एंट्री लेनी है और हमारा SL जो रहेगा इस कैंडल का लो रहेगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या हमारा कॉल जो है वो सक्सेस हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमें जो प्रॉफिट मिला है वो कितना ज़बरदस्त मिला है। यहाँ पर जैसे ही इसने 200 डे मूविंग एवरेज को टच किया तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद जो कैंडल बनाया उस समय में RSI भी अबव 60 था और स्टोकेस्टिक भी अबव 60 था। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है इस टेक्निक में मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि SL नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंटिन्यू अभी ऊपर ही जा रहा है जब तक ये फिर से क्रॉस करता नहीं 200 डे मूविंग एवरेज को तब तक अपॉर्चुनिटी है, या फिर आप 1:2, 1:3 का टारगेट भी ऐसे समय में ले सकते हो। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इस तरह से जो है हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैंने गोल्ड लिया है और भी मैं आपको जो ट्रेड है वो आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर US 30 एक इंडेक्स ले लेता हूँ। यहाँ पर भी हम यही सेम स्ट्रेटजी है जो है वो यूज़ करेंगे। मैं पूरी तरह से इसमें बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से पूरा बैक ले लेता हूँ और यहाँ से हम अभी स्टार्ट करेंगे हमारी एंट्री ढूंढना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 200 डे मूविंग एवरेज कब जो है वो क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हो रहा है, लेकिन अभी भी RSI जो है 40 पे है, स्टोकेस्टिक जो है अभी भी 60 को जस्ट टच किया है। तो हमें और थोड़ा इंतज़ार करना है और चेक करना है कि क्या पूरी तरह से उसने हमें ये दिया है एंट्री, नहीं दिया है, ये फॉल्स एंट्री हो सकती थी। तो यहाँ पर हमें और फिर से क्रॉस के लिए वेट करना है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इसने यहाँ पर जो है RSI ने अबव 60 की एंट्री बनाया है और स्टोकेस्टिक ने भी अबव 60 की एंट्री बनाया है और ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही खेल रहा है। तो हमारी एंट्री जो है वो इतने में कहीं पे बन जाएगी और यहाँ पर मैं लॉन्ग पोजीशन के लिए एक ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मेरा जो SL रहेगा वो इस कैंडल के नीचे कहीं रहेगा और मेरा जो टारगेट है अभी देखते हैं ये कितना लॉन्ग जा सकता है। तो आप देख सकते हो ये कितना अमेजिंग तरीके से काम किया टेक्निक। और यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो 1:2, 1:3 तक भी जा रहा है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी जाए, लेकिन हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा की लालच में क्या फ़ायदा। यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा
जो मूविंग एवरेज ने जो सपोर्ट लिया है 200 डे मूविंग एवरेज ने अपने ऊपर की दिशा में, और आरएसआई और स्टोकेस्टिक ने दोनों भी हमारे जो प्लान को जो है वो यहाँ पर बता दिया है कि हाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ पर और एंट्री मिल गई है। तो इस तरह से आपको सभी कंडीशन को चेक करना है। तो ये जो कंडीशन है आप जैसे जैसे चेक करोगे वैसे वैसे आपको ट्रेड मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको देखना है कि पहले 200 डे मूविंग एवरेज पूरी तरह से क्रॉस हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर हमें देख सकते हो आप एंट्री मिलने के चांसेस जो है बढ़ गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये बिलो 60 में हमें आरएसआई के नीचे दिखाई दे रहा है, और उसी तरह से स्टोकेस्टिक भी बिलो 60 है, और यहीं पर कहीं हमें जो एंट्री जो है वो मिल रही थी यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक पोजीशन ओपन कर देता हूँ, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री है इतने में कही है, और एसएल जो है इस कैंडल का हाई है। तो देखते हैं हमारा टारगेट कितना बन पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इतना टारगेट बन सकता था, 1:22 का मेरे ख्याल से बन गया है, लेकिन बाद में जो है हमारा एसएल जो है वो हिट हुआ है। तो जैसे ही हमें और एक एंट्री जो है यहाँ पर आप देख सकते हो तुरंत में मिल गई थी यहाँ पर, जैसे ही उसने जो है 200 डे मूविंग एवरेज को अबो 60 क्रॉस किया और स्टोकेस्टिक ने भी क्रॉस किया, तो ऐसे सिचुएशन में हम बाय एंट्री भी ले सकते हैं तुरंत ही। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन में हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमें SL जो है लेकिन काफ़ी लंबा मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में एंट्री ना ही लो तो अच्छा है। यहाँ पर 1:21 का टारगेट बन रहा है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में एंट्री ना ही ले तो बहुत अच्छा। तो इस तरह से हमें इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है। तो और भी स्ट्रेटजी जो है वो मैंने आपको बता दी है किस तरह से ये वर्क करती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करना है, अगर प्रैक्टिस करोगे आप तो आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस स्ट्रेटजी को लेकर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लेके फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और इस स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए तो आपको सक्सेस रेशियो जो है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है इस स्ट्रेटजी में, बहुत ही मिनिमम एसएल के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।